दोस्तों फ्लाईवल से राहुल पटेल हूँ। आज हुई है 7 जुलाई और लेटेस्ट बहुत ही बढ़िया दो गुड न्यूज है जो आपको मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली सिंस लास्ट 6-8-10 महीने से मैं बहुत सारे वीडियो नहीं बनाता था। उसका रीजन ये था कि रिफॉर्म की प्रोसेस चल रही थी, अभी वो हो गया है और एक्शन मोड में कनाडा आ चुका है। कनाडा सिंस लास्ट 10 साल से फेवरेट था ही और 2030 तक मेरे को लग रहा है कि वो फेवरेट रहेगा, क्योंकि कनाडा को बहुत बंदे चाहिए। मगर प्रॉब्लम कहाँ है, उनको स्किल्ड बंदे चाहिए। अभी उन्होंने आज जो स्टेप लिया है ना, वो बहुत बढ़िया स्टेप लिया है और उसका जिक्र मैंने आई थिंक 1-1.5 साल पहले भी मेरे एक दो वीडियो में मैंने हिंट दे दी थी और वो हो गया। अभी ऐसा है कि पहले तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत डिमांड है और आज सुबह सुबह ही 3,750 कैंडिडेट 4-4-5 मतलब एवरेज 100 पॉइंट डाउन सीआर स्कोर में इन्होंने 3,750 कैंडिडेट ऑलरेडी इन्विटेशन दे दिया। दिस इज वेरी गुड न्यूज। और रही दूसरी बात, जो ओंटारियो प्रोविंस है ना, जो पीएनपी बॉडी है, सबसे ज्यादा पीएनपी एप्लीकेशन उसमें लगती है ऑन एन एवरेज अगर आप कंपेयर करो दूसरे प्रोविंस से। तो उसमें जो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो कैटेगरी है वो स्किल्ड कैटेगरी है और अनस्किल्ड कैटेगरी में 4 एंड 5 आता है, ये कैटेगरी है। अभी 4 एंड 5 में नॉर्मली फेडरल स्किल्ड वर्कर में अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 6 इंच है एंड 67 पॉइंट चाहिए। अगर आप इनसाइड हो, 1 साल आपने काम किया है एम्प्लॉयर के साथ और अगर उसका जस्टिफिकेशन आप सीआईसी को दे सकते हो, और तो डायरेक्टली ये जो मैं नॉक कोड बोलने जा रहा हूँ ना, वो सारे नॉक कोड में आप पीआर ले सकते हो। तो ये मतलब 4 एंड 5 में भी ये लोगों ने पीआर देना शुरू कर दिया, मगर कौन से नॉक कोड में, तो ये जो नॉक कोड में बोलने जा रहा हूँ, अगर उसमें आप हो तो फ्लाईवल टीम का कॉन्टेक्ट करिए। प्रोसेसिंग अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरी टीम का कॉन्टेक्ट करिए, हम आपको प्रोसेस करके देंगे। सिंस लास्ट 10-12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, मैं काम करने के बाद भी पैसा चार्ज करता हूँ। वर्क परमिट एंड पीआर वो मेरी मास्टरी है कनाडा की। एंड अभी ये जो नॉक कोड है, जैसे समझ लो 44101 होम सपोर्ट वर्कर केयर गिवर रिलेटेड ऑक्यूपेशन, 65202 मीट कटर्स एंड रिटेल एंड होलसेल फिश मॉन्गर्स, कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर लेबर का जो नॉक कोड है वो 75110 है, 75119 अदर ट्रेड्स हेल्पर्स एंड लेबर्स, ये सारे सी एंड डी में आते हैं। टोटल टेंटेटिवली 56 जैसे है, उसमें अगर आप आते हो और आपने 1 साल काम किया है दोस्तों, तो आप पीआर ले सकते हो। 84120 स्पेशलाइज लाइव स्टॉक वर्कर्स एंड फार्म मशीनरी ऑपरेटर, 85100 लाइव स्टॉक लेबरर, 85101 हार्वेस्टिंग लेबरर्स, 85103 नर्सरी एंड ग्रीन हाउस लेबर, लेबर के दोस्तों बहुत डिमांड है, 14400 शीपर्स एंड रिसीवर्स, 14402 प्रोडक्शन लॉजिस्टिक वर्कर, 65320 ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन, 74200 रेलवे यार्ड एंड ट्रैक मेंटेनेंस वर्कर, 74203 ऑटोमेटिव एंड हैवी ट्रक एंड इक्विपमेंट पार्ट इंस्टॉलर एंड सर्विसर, 74204 यूटिलिटी मेंटेनेंस वर्कर्स, 74205 पब्लिक वर्क्स मेंटेनेंस इक्विपमेंट ऑपरेटर एंड रिलेटेड वर्कर्स, मटेरियल हैंडलर 75101 उसकी भी बहुत डिमांड है, 75211 रेलवे एंड मोटर ट्रांसपोर्ट लेबर, 75212 पब्लिक वर्क्स एंड मेंटेनेंस लेबर, और 85102 मरीन हार्वेस्ट लेबर्स, 94100 मशीन ऑपरेटर्स मिनरल एंड मेटल प्रोसेसिंग, 94101 फाउंड्री वर्कर्स, 94102 ग्लास फॉर्मिंग एंड फिनिशिंग मशीन ऑपरेटर एंड ग्लास कटर, 94103 कॉन्क्रीट क्ले एंड स्टोन फॉर्मिंग ऑपरेटर, 94104 इंस्पेक्टर्स टेस्टर्स मिनरल एंड मेटल प्रोसेसिंग, 94105 मेटल वर्किंग एंड फोर्जिंग मशीन ऑपरेटर, 94106 मशीन टूल ऑपरेटर, 94107 मशीन ऑपरेटर्स ऑफ अदर मेटल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्लांट मशीन ऑपरेटर उसका जो नॉक कोड है वो 94110 है, 94
111 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर, 94112 रबर प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स, कितने सारे नॉक कोड है दोस्तों। 94111 प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर, 94120 सॉ मिल मशीन ऑपरेटर, 94121 पल्प मिल पेपर मेकिंग एंड फिनिशिंग मशीन ऑपरेटर्स, ये मशीन ऑपरेटर की बहुत डिमांड है मेरे ख्याल से। 94123 लंबर ग्रेडर एंड अदर वुड प्रोसेसिंग इंस्पेक्टर एंड ग्रेडर्स, 94124 वुड वर्किंग मशीन ऑपरेटर, 94132 इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर, 94140 प्रोसेस कंट्रोल एंड मशीन ऑपरेटर फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, 94142 फिश एंड सी फूड प्लांट वर्कर्स, 94143 टेस्टर्स एंड ग्रेडर्स फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, 94200 मोटर व्हीकल असेंबलर इंस्पेक्टर एंड टेस्टर्स, 94201 इलेक्ट्रॉनिक असेंबलर फैब्रिकेटर इंस्पेक्टर एंड टेस्टर्स, 94202 असेंबलर एंड इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 94203 असेंबलर फैब्रिकेटर इंस्पेक्टर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स, 94204 मैकेनिकल असेंबलर एंड इंस्पेक्टर, 94205 मशीन ऑपरेटर एंड इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, 94211 असेंबलर एंड इंस्पेक्टर एंड अदर वुड प्रोडक्ट्स, 94212 प्लास्टिक प्रोडक्ट असेंबलर फिनिशर्स एंड इंस्पेक्टर, 94213 इंडस्ट्रियल पेंटर कोटर्स एंड मेटल फिनिशिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटर, 94219 अदर प्रोडक्ट्स असेंबलर फिनिशर्स एंड इंस्पेक्टर, 95100 लेबर्स इन मिनरल एंड मेटल प्रोसेसिंग, 95101 लेबर्स इन मेटल फैब्रिकेशन, 95103 लेबर्स टू लेबर्स इन मेडिकल केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग एंड यूटिलिटीज, 95103 लेबर्स इन वुड पल्प एंड पेपर प्रोसेसिंग, 95104 लेबर्स इन रबर्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, 95106 लेबर्स इन फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग, 95107 लेबर्स इन फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग। अभी दोस्तों ये जितने भी नॉक कोड मैंने आपको बोले हैं ना, वो सारे नॉक कोड में अगर आपने कनाडा में ओंटारियो प्रोविंस में इनसाइड काम किया है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। अभी इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मतलब हुआ कि कनाडा आप चले जाओ, काम करना स्टार्ट कर दो। पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो कोड है, ये जितने भी कोड मैंने आपको बोले हैं ना, वो अभी फिलहाल टोरंटो ओंटारियो प्रोविंस में इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, अभी धीरे धीरे पूरे कनाडा में करेंगे ये लोग। तो इन शॉर्ट स्किल्ड बंदे कनाडा को बहुत चाहिए। ये सारी रूमर्स है कि किसी के पास काम नहीं है। हाँ, काम उसके पास नहीं है जिसको काम आता नहीं है। अगर आपको काम आता है, पर्टिकुलर नॉक कोड में अगर आपकी कोई स्किल है, कुछ भी स्किल है, या तो स्किल आप हासिल भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर सकते हो, उसके रिलेटेड छोटे मोटे कोर्स कर सकते हो, या तो फिर कोई एम्प्लॉयर को ज्वाइन करके उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई 15 दिन मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दे, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये गलत बात है कि कनाडा में काम नहीं है। नर्सिंग फील्ड में बहुत बंदे चाहिए, मेडिकल फील्ड में बहुत बंदे चाहिए। मेरे पास बहुत सारी डिमांड आती है और एग्जैक्टली डिमांड के सामने सप्लाई जाना स्टार्ट हो गया है। और इन लोगों ने आज तक जो नहीं किया है, 4 और 5 जो कैटेगरीज है उसमें आज तक पीआर नहीं दिया है, ये पीआर भी स्टार्ट कर दिया। तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब है कि आप काम पे लग जाओ, एक आध साल वहाँ पे काम करो, एक आध साल के बाद सीईसी अप्लीकेबल होगा। जिनको भी कनाडा सेटल होना है, पीआर करना है, और जिनके 2 बच्चे हैं ना, और जिनकी उम्र 40 राउंड अबाउट है, 35 to 40, और जिनके बच्चे 21 साल से नीचे है, उनको कनाडा जाना चाहिए दोस्तों। एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, कनाडा पीआर लेना चाहिए। उसके लिए आप मुझे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। कनाडा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा है सिंस लास्ट 10-12 साल से, और आगे भी रहेगा। और इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अभी प्रोसेस भी धीरे धीरे स्टार्ट, मतलब थोड़ा बहुत स्लो चल रहा था, वो इसीलिए चल रहा था क्योंकि रिफॉर्म की प्रोसेस चल रही थी। रिफॉर्म धीरे धीरे एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया है और इन लोगों को बहुत बंदे चाहिए। हाँ,
इन लोगों ने थोड़ा ब्रेक लगाया था सिंस लास्ट 7 to 8 months से, और ब्रेक लगानी ज़रूरी थी क्योंकि एग्जैक्ट डिमांड के सामने एग्जैक्ट सप्लाई जाना ज़रूरी ही है। अगर कोई बंदा कनाडा में एंट्री लेता है और उसके पास काम नहीं है तो वो कनाडा को ऐसे बंदे नहीं चाहिए, ये सिंपल सी बात है। काम होना ही चाहिए, यही गोल है कनाडा का, और वो जो बंदा जा रहा है उसके पास अगर काम नहीं है तो भी गलत बात है। तो यही इंटेंस है कनाडा का, और ये जो भी रिफॉर्म की प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट की है उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो 2025 के बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। हर एक बंदे के पास काम होगा, मगर आपको थोड़ा अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे जो नॉकआउट है जिसमें आप जा सकते हो, काम ढूंढ सकते हो, एम्प्लॉयर को मिल सकते हो, वहाँ पे अवरली बेस्ड सैलरी है, आपको सामने वाले बंदे को काम करके देना ही पड़ेगा, तब जाके वो बंदा आपको डॉलर दे पाएगा। ये सब मैं जो भी बोल रहा हूँ ना वो रियलिटी है, आप एक्सेप्ट करो कि नहीं करो वो आपकी बात है। सिंपल सी बात है, कोई ने किसी ने वीडियो बना दिया एक जॉब चाहिए और बाहर 50 लोग खड़े हैं, वो सब बातें हैं। प्रॉब्लम था बीच में 100% था, मगर आपके पास दोस्तों स्किल नहीं है ना तो काम तो गुजरात में भी नहीं है। स्किल तो होना ही चाहिए, कुछ भी छोटा मोटा स्किल आपके होना चाहिए आपके हाथ में, अगर ये है तो आपके पास काम है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई की जो इंडिविजुअल टर्म्स है उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सीधी सी बात है। हमारा काम इमिग्रेशन का है और इमिग्रेशन की प्रोसेस हम सारी हैंडल करते हैं, अब 2 PR तक हम सारा ही आपका केस हैंडल कर लेंगे, और उसके लिए आप फ्लाइवल टीम का कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।